नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। तो आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। जी हां, आज हम बात करेंगे मदरसों को लेकर। मदरसे के आधुनिकरण की बात होती है, मदरसे में रामपाठ की बात होती है, कई तरीके से कई बयान आए और उसके बाद मदरसे को लेकर राजनीति गर्म होने लगी। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, सदाब समजी। हम उनसे जानेंगे, सर मदरसे पे जो राजनीति होने लगी, क्या है एक्चुअली एजेंडा, क्या उत्तराखंड में क्या होने जा रहा है मदरसे के लिए? देखिए, राजनीति तो राजनीति करने वाले लोग करेंगे, हम तो काम कर रहे हैं। और हमारा मत बिल्कुल स्पष्ट है कि मदरसा एक अरबिक वर्ड है, इसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। तो ये केवल एक जो भाषा तक सीमित कर दिए गए थे, उससे इनको उभारने की आवश्यकता, इनका मॉडर्नाइजेशन करने की आवश्यकता। इसलिए हमने जो वक्फ बोर्ड के अधीन 117 मदरसे आते हैं, हमने कहा है कि हम इन्हें मॉडर्न मदरसे बनाएंगे और इनका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पर होगा। और इसलिए उनके अंदर NCERT का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश मीडियम पैटर्न होगा। और मुझे लगता है कि अब मेरे बच्चे हाफिज़ कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और देश के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, इसका भाव रखेंगे। उस दिशा में हम एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि श्री राम की बात आपने कही, तो श्री राम हमारे आदर्श हैं। हमने, हमारे बड़ों ने अपना धर्म बदला है, अपनी पूजा पद्धति बदली है, लेकिन हम अपने बड़ों को नहीं बदल सकते। इसलिए श्रीराम जैसे किरदार को पढ़ाना, मुझे लगता है कि ये सौभाग्य की बात है। और अगर श्रीराम को देवभूमि उत्तराखंड में नहीं पढ़ाया जाएगा, भारत में नहीं पढ़ाया जाएगा, तो क्या उसे अरब में जाके पढ़ाएं, क्या उसे विदेशों में जाके पढ़ाएंगे? हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पढ़ाएंगे, बिल्कुल हिंदुस्तान में पढ़ाएंगे, देवभूमि उत्तराखंड में पढ़ाएंगे। इसलिए बहुत जल्द आपको, हमने कहा था मार्च सेशन से आपको ये मॉडर्न मदरसे नजर आ रहे हैं, आएंगे। 1 अप्रैल से हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा ये मॉडर्न मदरसा प्रारंभ हो जाएगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। सर, उन मौलवी मौलानाओं को क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं सदाब शम्स जो है इस्लाम से विरुद्ध जा रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, राम की पूजा की बात कर रहे हैं, तो कहीं इनसे कोई खतरा नहीं लगता आपको मजहबी या राजनीतिक रूप में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनसे खतरे की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ये लोगों की दुकान है, उनकी दुकान में अगर बंद होगी तो उनको तकलीफ होना लाजिम है। अगर हम डरते तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ना करते और सच बोलने से बहुत पीछे रह जाते। हमारा मानना है, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और जब तक खुदा नहीं चाहेगा तो पेड़ से सूखा हुआ पत्ता भी जमीन पर नहीं गिरेगा। तो जब वो चाहेगा, मौत आएगी, तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। तो जब तक जिंदा है, कम से कम जिंदा दिखना भी चाहिए। मैं पूरी उम्मीद के साथ जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं उनके लिए ये मॉडल मदरसा बनाया कि आइए देखिए, हम किसी मजहब के किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम बेहतर तालीम, बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं। और मेरे नबी ने, मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि इल्म हासिल करने के लिए आपको दूर तक जाना पड़े तो जाओ। उन्होंने कहीं अरबी का या कुरान का खाली जिक्र नहीं था, इल्म का जिक्र है। और जिस तरह से एक सीमित तक मुस्लिम समाज को रख दिया गया है, इन बच्चों को सिर्फ अरबी पढ़ेंगे और कुरान पढ़ेंगे और देश और दुनिया से कटे रहेंगे और फिर कट्टरता लाने की बात करेंगे, उस सोच से मुस्लिम समाज के इन बच्चों को बाहर निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत ये मदरसे होंगे। हमने कह दिया है कि अब इन मदरसों में इनकी कमान हम फौज के हाथ में देने जा रहे हैं। ये बड़ी बात मैं आपके यहाँ कह रहा हूँ, हम फौज के हाथ में अपने मॉडर्न मदरसों की कमान देने जा रहे हैं। कर्नल VS मलिक जो गोरखा रेजिमेंट को हेड कर चुके, उनके नेतृत्व में हमने जो उनको एजुकेशन कमेटी में रखा है, और हमने ये तय किया है कि हाँ, जो रिटायर्ड फौजी होंगे उनको फिजिकल ट्रेनर के रूप में, उनकी देखरेख में वो लोग हमारे इन मॉडर्न मदरसों में काम करेंगे और बच्चों के अंदर बचपन से ही राष्ट्रवादी विचारधारा को रोपने का काम करेंगे, जिससे इन यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ भी देश के लिए अपना सब कुछ समर्पण, सब कुछ समर्पित करने का भाव रखें। हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, वतन से मोहब्बत आधा ईमान है इस्लाम में, लेकिन मुल्ला का इस्लाम कई बार अल्लाह के इस्लाम पर हावी हो जाता है। तो वापस मुसलमानों को अल्लाह के इस्लाम पर लाना है, और मुझे उम्मीद है कि हम न लड़ेंगे न लड़ाएंगे, न डरेंगे न डराएंगे, मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमें सर, आप लगता है कि जो मॉडर्न मदरसे हैं, जो आपने अभी सूरत बताई है, इस सूरत के बाद कॉन्वेंट स्कूल से वो लोग मतलब कहीं अछूते भी नहीं रहेंगे, उनकी शिक्षा पद्धति बढ़ेगी और डेवलपमेंट में भी चार चांद लगेंगे? बिल्कुल, हमारा कहना यही है कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। तो मेरा एक समाज, हम तो हमेशा कहते हैं कि अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति का विकास होगा तो देश आगे बढ़ेगा। हम विश्वगुरु बनने की बात करें, विश्वगुरु तभी बन पाएंगे जब यहाँ का हर तबका नंबर वन होगा। और इसलिए मुस्लिम समाज भी अछूता क्यों रह जाए? ये गरीब यतीम बच्चे, क्या इनको अधिकार नहीं है ये टेबल चेयर पर बैठ के पढ़े? क्या इनको अधिकार नहीं है कि ये कुर्सी पर बैठ के कुरान की तिलावत करें? जो मोदी जी का सपना था, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, वो आपको देवभूमि उत्तराखंड से, जो वादा मेरे प्रधानमंत्री ने किया था, वो भी युवा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम साकार करते हुए आपको नजर आएगा उत्तराखंड। बहुत जल्द 1 अप्रैल से ये प्रारंभ हो रहे हैं, इनको सबको ग्रीन सिग्नल मिल गया, औपचारिकता सारी पूर्ण हो चुकी है। अब तो आपको बच्चे बैठे हुए नजर आएंगे और मैं मानता हूं कि ये जो मदरसों का मॉडर्न मदरसों का मॉडल होगा, ये देश के लिए एक नजीर बनेगा। आने वाले वक्त में ये शिक्षा क्रांति के रूप में मुस्लिम समाज की देखा जाए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शादाब शम्स, जो बता रहे थे कि जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है मदरसों का, उसमें खास बात यह है कि एक और जहां एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम चलेगा, तो वही प्रभु राम के बारे में भी, आदर्श के बारे में भी छात्रों को, मदरसे के जो छात्र होंगे उनको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही खास बात यह है कि रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल हैं, उनको बतौर फिजिकल ट्रेनर भी इन मॉडर्न मदरसों में तैनात किया जाएगा। तो ये एक सूरत बदलने वाली स्थिति है। अगर इस तरीके से मॉडर्न मदरसे उत्तराखंड से जो मैसेज जाएगा, कहीं ना कहीं परिवर्तन की बयार लेके आएगा। कैमरन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।